और चुनाव के पहले भाजपा के 29 पार्षदों को गुप्त स्थान भेजा गया है। भाजपा पार्षद को गाड़ियों से गुप्त स्थान के लिए रवाना किया गया। रवानगी की बात करने पर पिकनिक जाना बताया गया, लेकिन पिकनिक की जगह का नाम नहीं बताया गया। इन पार्षदों को सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने रवाना किया, और इसी दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त मौजूद है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पार्षदों को कहाँ लेकर गया है। देखिए, सामान्यतः पार्षद लोग यहीं है घूमने गए हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी जगह लेके जाने की जरूरत नहीं। हमारे ही पार्षद, हमारे ही कार्यकर्ता सामंजस्य स्थापित करते हुए एक जगह ऐसी पिकनिक पार्टी मना रहे हैं। आपने कहा पिकनिक पार्टी है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है? नहीं, हमें डर तो नहीं सता रहा, हमारे को हमारे पार्टी कार्यकर्ता पर विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय इकाई के चुनाव के अंदर जिस प्रकार की सरकार का रवैया रहा चुनाव से लेकर के आज तक, और जिस प्रकार से प्रदेश का रिजल्ट जनता ने दिया, उन नगर निगमों में, उन नगर पालिकाओं में, उन नगर पंचायतों में स्पष्ट बहुमत भाजपा के पक्ष में आया, उसके बाद में भी प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री कहता है कि हर जगह कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी, तो इसका मतलब क्या? 6 जनवरी को महापौर का चुनाव होना है, क्या लगता है अभी भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि महापौर जो है वो बीजेपी से बनेगा, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल मैदान में लड़ाई में है, निर्दलीय साथी लोग हैं, अन्य है, कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आता है अभी देखते हैं, वेट एंड वॉच। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और 2020 का मैच है। तो ये थी हमारी पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त से खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो अब तो ये देखने वाली बात होगी कि 6 जनवरी को महापौर चुनाव होने वाला है, तो किस पार्टी का महापौर बन के सामने आता है। कैमरामैन श्याम के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री